ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लेटेस्ट जानकारी, जो कि अभी अभी अनाउंस हुई है। तो चलिए आपको इसकी पूरी जानकारी दे देता हूँ। सिपाही भर्ती 2018 का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। वे अपनी तैयारी और तेज कर दे, क्योंकि शासन व उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रणोती बोर्ड जनवरी में प्रस्तावित परीक्षा के शेड्यूल को हर हाल में पूरा करने के लिए काम कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि इसी सप्ताह सिपाही के 51,216 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और 15 नवंबर को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कराने की तैयारी है। भर्ती बोर्ड इसके लिए निजी एजेंसी को दायित्व सौंप रही है। परीक्षा जनवरी 2019 के प्रथम सप्ताह में ही कराई जाने की कसरत तेज कर दी गई है। सिपाही भर्ती 2018 के ऑनलाइन आवेदन की प्रस्तावित तारीख 1 नवंबर घोषित की गई थी, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते तारीख निरस्त करनी पड़ी, जिसके बाद जनवरी 2019 में प्रस्तावित तारीख भी टलने की आशंका जताई जा रही थी। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा जनवरी में ही होगी। जालौन व सुल्तानपुर ट्रेनिंग स्कूल से SP संबद्ध। जालौन व सुल्तानपुर में दो नए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खोले जाने का काम तेजी से किया जा रहा है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जालौन में SP RM भारद्वाज व सुल्तानपुर में SP संतोष कुमार सिंह को संबद्ध किया गया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस को मिलेंगे 173 और दरोगा। दरोगा भर्ती 2011 में वाइटनर प्रकरण के चलते चयन प्रक्रिया से बाहर हुए 173 अभ्यर्थियों को हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भर्ती बोर्ड ने यह कार्रवाई की है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची DGP मुख्यालय को भेज दी गई है। जल्द 173 अभ्यर्थियों को उप निरीक्षक के प्रशिक्षण पर भेजा जाएगा। दोस्तों, साथ ही मैं आपको यह जानकारी दे देता हूं कि किस कैटेगरी में कितने पद है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 11,761 पद है। OBC कैटेगरी के लिए 6,350 पद है। अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए 4,939 पद है और ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 470 पद है। कुल पद होते हैं 23,520। ये हैं आरक्षी नागरिक पुलिस। नंबर दो है आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 9,000 पद है। OBC के लिए 4,860 पद है। SC के लिए 3,780 पद है और ST के लिए 360 पद है। कुल मिलाकर के ये होते हैं 18,000 पद। दोस्तों, अगर आपको इसके अतिरिक्त भी कोई अन्य जानकारी चाहिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी हुई, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं आपको उसकी भी पूरी जानकारी दे दूंगा। मैं आपसे इस वीडियो में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और आपके लिए किसी प्रकार से फ़ायदेमंद रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सुन ले तू छोरे, तेरा मेरा ना कोई मैच।